नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज में। मैं आपके साथ विशाल। आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, लेकिन राजनीति में भी कई दफा राखी का त्यौहार मनाते राजनेता देखे जाते हैं। ऐसे ही एक किस्सा मायावती से जुड़ा हुआ है। आखिर मायावती से जुड़ा वो कौन सा किस्सा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बीएसपी के भीतर ही नहीं, बाहर भी लोग मायावती को बहन जी ही बुलाते हैं, मगर मायावती ने अब तक कुछ ही लोगों को राखी बांधी है। मायावती के साथ भाई बहन के रिश्ते का हाल भी दूसरे दलों के साथ बीएसपी के गठबंधन जैसा ही देखने को मिला है। यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती एक ऐसी राजनीतिक हस्ती हैं जिनकी जिंदगी से जुड़े कई अनसुने पहलू हैं। मायावती के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे खुद मायावती भी नहीं भूल सकी। 2 जून 1995 को माया को एक हादसे का शिकार होने से तब के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 जून 1995 में मायावती लखनऊ में मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में थी। लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस को घेर लिया था और जमकर हंगामा कर रहे थे। भीड़ में सपा से जुड़े कई चेहरे थे जिनके सामने पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई थी। इस पर मायावती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया तो लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने रिस्क लेकर उन्हें बचाया था और अकेले ही भीड़ से भिड़ गए थे। इस घटना के बाद मायावती ब्रह्मदत्त को बहुत सम्मान देने लगी थी। ब्रह्मदत्त त्रिवेदी के इस एहसान को मायावती कभी भूल नहीं पाई। उन्होंने कभी भी ब्रह्मदत्त त्रिवेदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद वो उनके घर पहुंची और फूट फूट कर रोई थी। जब ब्रह्मदत्त की पत्नी ने चुनाव लड़ा तो मायावती ने अपील की थी, मेरे लिए अपनी जान देने वाले मेरे भाई की पत्नी को वोट दें। पूरा देश 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, लेकिन संयोग देखिए कि 22 अगस्त 2002 को तब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती ने बीजेपी नेता लालजी टंडन को राखी बांधी थी। वो राखी भी कोई आम राखी नहीं बल्कि चांदी की राखी थी। तब यूपी में मायावती की सरकार को बीजेपी का सपोर्ट हासिल था। माना जाता है कि लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती की जान खतरे में पड़ी तो बचाने वालों में लालजी टंडन की भी भूमिका रही। वैसे मायावती ने जब लालजी टंडन को राखी बांधी तो उसका मकसद बीजेपी की ओर से संभावित अड़चनों को टालना रहा। इस रिश्ते की उम्र भी गठबंधन से ज़्यादा नहीं रही। अगले ही साल मायावती की सरकार गिर गई। नतीजा ये हुआ कि अगली राखी पर लालजी टंडन इंतज़ार करते रहे, लेकिन न तो मायावती पहुंची और ना ही कोई राखी।